जिहड़ी फैक्टरी आपां लड़ रहे हैं फैक्टरी बंद कराने वास्ते, अज सांझा मोर्चा जीरा पंजाब दीआं सारीआं किसान जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां, वातावरण प्रेमी अते सांझे रूप विच एक फैसला किया गया। असी सरकार तो मंग करते हाँ कि माल बरोज फैक्टरी जिहड़ी पिंड मसूरवाल कलां विखे लगी हुई है, उहदे तिन्ने यूनिट सारे यूनिट बंद किए जाण, नोटिफिकेशन जारी करके जिहड़े कारण करके फैक्टरी बंद की ही आ वह जनतक किए जाण। दूसरी बेनती, जिन्ना साडे वीरां ते नजायज परचे किए गए आ उहनां दे सारे परचे रद्द किए जाण, जिहड़े साडे वीर धरनाकारी जेलां विच गए आ जां जिन्ना भी नुकसान होया उहदी भरपाई की जाए। धरनाकारियां दीआं जमीनां जिहड़ियां इन्हां ने साडियां फरदां हाई कोर्ट दित्तियां होईयां हन उह सानूं वापस कीतियां जाण। फैक्टरी दे प्रदूषण कारण जिन्ने लोगों की मौत हुई है उन्हां नूं योग मुआवजा दिता जाए। कुछ वातावरण माहरां ते इलाके दे मैंबरां की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए, क्योंकि जिस कारण करके पानी खराब होया है जां इह पानी दे नाल पीड़ित लोगों के विशेष कार्ड बनाए जाण, क्योंकि जिथों मर्जी जाके इलाज मुफ्त करवा सकन। इलाके भर के पिंडां दे लोगों नूं पीण योग पानी मुहैया कराया जाए। इस फैक्टरी के नाल जिन्ना भी साडा पानी खराब होया है वह साडे फसलों वास्ते बहुत घातक है, इस वास्ते नहरी पानी का भी एक प्रबंध किया जाए। प्रदूषण फैलाउण दे कारण फैक्टरी के मालक विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। फैक्टरी विच जो मजदूर 6 महीने पहला काम कर रहे हैं उन्होंने 5 लाख, जो 6 महीने बाद काम कर रहे हैं उन्होंने घट्टो घट 3 लाख मुआवजा दिता जाए। फैक्टरी के मालक उसके मैनेजर खिलाफ मैनेजमेंट खिलाफ प्रदूषण फैलाउण के परचे दर्ज किए जाण। पानी में जहर मिला के जिहड़े कतल हुए आ IPC धारा 307 फैक्टरी के सबूत मिटाउण के जुर्म, IPC धारा 201 पानी के कानून 1974 की धारा 2443 नाल, गैर कानूनी माइनिंग का परचा भी फैक्टरी के उपर बनता है। माल बरोज फैक्टरी की जमीन जिस विच इलाके नूं सहूलत देने लई कोई वड्डा हस्पताल खोलिया जाए, माल बरोज फैक्टरी के खातियां नूं सील किया जाए। इन्हां सारियां मंगां दा अज साडे इत्थे आगूआं ने बह के विचार कीती है। ये साडे सांझे तौर ते जो साडियां मंगां हैं ये सरकार तक पहुँच कीतियां जाण। दूसरी बेनती है, जिन्हें भी साडे इलाके दे इत्थे मोर्चे नाल संबंध रहे आ, असीं इक अखंड पाठ कल प्रकाश कराए शुकराने वजों उन्हां दे कल नूं भोगां ते आल पंजाब नूं बेनती है कि जरूर पहुँचण दी कृपालता कीती जाए। एक तुहानूं सारिआं नूं होर साफ कर दईए, जदों असीं मुआवजे की गल करते हैं किसी नूं लग सकदा भी यार सरकार इन्ने बंदे नूं मुआवजा कित्थों दऊगी, उहदे वास्ते असीं मंग करते हैं भी इस इंडस्ट्री के जिन्ना इन्हें मानवता विरोधी अपराध किया वा 500 करोड़ रुपया ते जुर्माना लाया जाए, ते जिन्ने भी साडे कोई मुआवजे आ चाहे वह मजदूरों का मुआवजा वा चाहे कोई साडे बीमार पए बंदे आ चाहे कोई साडे बंदे मर चुके आ इहदे प्रदूषण कारण, उस 500 करोड़ दे विच्चों सारे लोगों की भरपाई की जाए, ना कि सरकार आपदे कोलों करे, इह ते जुर्माना लाया जाए। मैं इन्हां सारे ही पत्रकारां दे वीरां दे सहयोग दे नाल पूरे पंजाब भर दे जिन्ने भी मजदूर ने उन्हां तक एक गल पहुँचाउणी चाहुणी आ कि बहुत सारे लोगों के एक नैगेटिविटी फैलाई जा रही आ कि किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा धरना लाया होया सीगा उन्होंने तुहाडा रुजगार खोलिया वा। मैं सारे ही मजदूरों नूं अपील करना चाहुणी आ कि जिहड़ा इह धरना लगा सी इह कल्ले किसानां दा नहीं, इह पाणी कल्ले किसानां ने नहीं पीना सी, इस इंडस्ट्री ने साडा जान ते माल दा बहुत नुकसान कीता, साडा इलाका बुरी तरह प्रभावित सी। असी किसी दे इस चीज़ के खिलाफ नहीं कि किसी का रुजगार बंद होवे, असी भी चाहुणे आ कि उन्हां मजदूरों नूं रुजगार मिले जो मजदूर रुजगार दे लई इत्थे काम करदे रहे आ ते अज तुरे फिरदे ने विचारे वेले हो के, असी उस चीज़ के हक च नहीं आ भी उन्हां नूं रुजगार ना मिले, असी इस चीज़ के हक विच सी कि जिहड़ा इंडस्ट्री ने साडा नुकसान कीता आ उस नुकसान के खिलाफ असी आवाज़ उठाई सी, क्योंकि पानी कल्ला किसानी ने नहीं पीना, पानी साडी मुढ़ली लोड़ आ, पानी असी सारे ने पीना, इस फैक्टरी ने साडे इलाके नूं मारूथल बना दिता सी, उस दे खिलाफ असी अंदोलन लड़े हाँ ते जिहड़ा अंदोलन तुहाडे सारयां दे सामने आ कि साडा जित वल नूं वध चुका आ। सो असी अज इसे करके अज मजदूरों के हक के आवाज़ जी बुलंद की आ, क्योंकि मैं मजदूर जथेबंदी दी आगू हाँ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।